जय जवान जय किसान दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं ग्रामसी किसान के कृत्रिम गर्भधान मछली पालन एवं पशुपालन केंद्र में। ये इसका मेन गेट है इस सेंटर का, ठीक है। बगल में ग्रामश्री एग्री मार्ट है, ठीक है, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं पशुपालन से संबंधित। सारे प्रोडक्ट्स को बाजार से सस्ते दरों में मिलते हैं। उस अभी हम लोग चलते हैं सेंटर के अंदर, देखते हैं अंदर कैसा है, क्या लुक है। अधिकतर विद्यार्थियों का सवाल है कि सर सेंटर हमें देखना है, कोई ऐसा वीडियो भेजिए जिसमें हम लोग सेंटर देख सके। तो आज हम लोग इस अपने चैनल पर पूरा आपको सेंटर दिखाएंगे, ठीक है। तो ग्राम से किसान के सेंटर में आप सभी लोग का स्वागत है फिर से एक बार। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर यह है पशु एम्बुलेंस, पे पशुओं को ले जाया जाता है अगर उनका स्थिति गंभीर रहती है इलाज करवाने के लिए। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है ग्राम से किसान का। ये रिसेप्शन है यहाँ पर, ये भाई साहब यहाँ रिसेप्शन पे बैठे हुए, क्या नाम हो आपका? रवि रंजन जी यहाँ पर है। कोई भी कैंडिडेट आते हैं तो सबसे पहले यही उनको अटेंड करते हैं, यहाँ पर वो उनका एंट्री करवाते हैं। इसके बाद ये ऑफिस रूम है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ संजय सर है जो कि यहाँ के सेंटर इंचार्ज है। अब मिलते हैं हम लोग इस सेंटर के इंचार्ज से, इनसे मिलते ही अपने कैबिन में होंगे इस समय। हेलो संजय सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छे हैं, तो कैसा चल रहा है? डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? ना ना, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अरे आप लोग आते जाते रहिए, ठीक है। आज हम लोग विशेष काम से आए हैं। एक्चुअली यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में बहुत बच्चे लोग का सवाल रहता है कि सेंटर सर हमें देखना है वीडियो के माध्यम से, ठीक है, वहाँ क्या व्यवस्था है, कैसे है। तो हम लोग तो रास्ता दिखाते हुए आ गए वीडियो के जरिए। अब आपसे हमको ये मदद चाहिए कि चूंकि आप इंचार्ज हैं तो हम आप ही से उम्मीद करेंगे कि आप चल के बच्चों के लिए एक वीडियो हम लोग के साथ शूट कर दीजिए, सभी बच्चों के लिए एक वीडियो में बता दीजिए कि कहाँ पर क्या है। ये तो आपका ऑफिस दिख गया हमें, और ऑफिस भी आगे दिखा देते तो बढ़िया रहता। तो चलिए आपको पूरा सेंटर हम घुमा देते हैं, क्या हमारी व्यवस्था है। जी जी, चलिए। संजय सर अपने अंदाज में चलते हुए हम लोगों के साथ। जी, सेंटर में डॉक्यूमेंटेशन का काम ये लोग करते हैं। अच्छा। और ये लोग जो भी कैंडिडेट आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, फार्म भरना, ये उनको जानकारी देना, सारा समय समय पर ये सारा कुछ उन लोग को बताते रहते हैं। ऑफिस का सारा पेपर कंप्लीट करते हैं ये इन लोग, यहाँ काम करते। अच्छा, हैं आईटी का भी काम यही पूर्ण रूप से होता है। चलिए, ये आईटी वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर क्या काम चलता है सर? यहाँ एक तरह से ये सुपरवाइजर हैं। अच्छा। और यहाँ जो लोग आते हैं वो यहाँ मिलते हैं, यहाँ उनको कन्विंस किया जाता है, समझाते हैं, काउंसलिंग टाइप का ये उनको सारा कुछ बताते हैं। धन्यवाद। अब हम लोग अगला कहाँ जा रहे हैं? अगला आप चले, हमारा पूरा कंपाउंड अंदर है, इसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हॉस्टल है, ट्रेनिंग का क्लासरूम है, लैब है, लाइव हमारे पास गाय है, मुर्गी फार्म है, ये मछली पालन की सारी व्यवस्था है हमारे यहाँ, बत्तख भी रखे हैं। इस तरह का हम लोग वेटनरी के क्षेत्र में ये एक तरह से पूरे बिहार का हब है, और पूरे बिहार से लोग यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। तो और ये सारी व्यवस्था है हमारे यहाँ, आप चलें हम दिखा देंगे। हमारे यहाँ हॉस्टल का भी व्यवस्था है, इधर भी हॉस्टल है, इसमें लड़के लोग रहते हैं। बातों से लग रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूर अभी करने वाले हैं, वर्चुअली एक अच्छा पूरे ट्रेनिंग सेंटर का टूर करने वाले हैं संजय सर के साथ। तो चलिए हम लोग भ्रमण करते हैं इनके साथ पूरे सेंटर का। एक्चुअली मैंने भी पूरा इतना डीपली नहीं घूमा है अभी तक, जब भी आए हैं बस घूम के एक शूट करके वीडियो शूट करके लोग चले गए हैं। आज इनके साथ हर एक जगह घूमने का हमें भी मौका मिल रहा है आपके साथ साथ। ये हम लोग का जो सेटअप है ये फिशरी का है, इसके ट्रेनर भी हमारे यहाँ रहते हैं, ये बीएससी फिशरी, एमएससी फिशरी ये लोग रहते हैं, ये लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, अपना प्रोडक्शन करते हैं। हम लोग बाहर से जीरा छोटा छोटा लाते हैं, स्पॉन भी लाते हैं, और हर साइज का इसको बना करके बढ़ा करके खिला कर पाल कर इसको यहाँ से बेचा जाता है। तो हम लोग बेचने का भी काम करते हैं, ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं। एक्चुअली ये कंसेप्ट है कि जो सरकार की योजना है, भारत सरकार जो ये कई बार घोषणा कर चुका है कि किसानों की आमदनी दुगना किया जाए, तो आमदनी दुगना करने का यह एक पार्ट है, जरिया है, जिसमें मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन एग्रीकल्चर के साथ जोड़ करके
और उन लोग का आमदनी बढ़ाने के लिए ये सारी व्यवस्था है। तो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो हम लोग ये नहीं देते हैं कि वो आए उनको किताब पढ़ाए और वो चले गए एक सर्टिफिकेट लेकर। हम इतना कोशिश करते हैं कि आने के बाद हमारे सेंटर में वो लाइव देखें कि सही माने में बायोफ्लॉक होता क्या है, कैसे मछली पलाता है, बड़ा कैसे होता है, या जीरा के साइज में करके कैसे बेचते हैं, उसमें कैसे ये पानी का जो क्वालिटी होता है उसका नापा जाता है, ये सारी व्यवस्था यहाँ देखें, पढ़ें, समझें, इसलिए पूरा लाइव सेटअप रखें। तो ये कितने टोटल बायोफ्लॉक होंगे यहाँ पे? अभी हमारे पास 8 बायोफ्लॉक है और 5 तालाब है। 8 बायोफ्लॉक है, आप देख रहे हैं, 4 यहाँ 8 बायोफ्लॉक है, 1 तालाब इधर है, पीछे हमारा 4 तालाब है बड़ा सा। हम चलेंगे अभी, आप लोगों को पूरा घुमाएंगे, दिखाएंगे, ये सारा लाइव है हमारे यहाँ। बेहतरीन व्यवस्था दिख रहा है यहाँ पे। ये हमारा भोजनालय का पार्ट है, मेस का पार्ट है, अंदर हमारा मेस बनता है भोजन, और ये अंदर कैंटीन है, उसमें खाने का व्यवस्था है, बाहर भी ये खाने के लिए व्यवस्था है। इसको हम लोग रिमॉडलिंग कर रहे हैं, अच्छे ढंग से बना रहे हैं। अच्छा, अभी कंस्ट्रक्शन में है बाहर वाला, ये बन रहा है। बच्चे और बढ़ते जा रहे दिन पर दिन, बच्चे तो बढ़ रहे हैं, और थोड़ा इन लोगों का ये व्यवस्था अपडेट कर रहे हैं अच्छे अच्छे ढंग का। तो अंदर वाला भी कैंटीन देख लिया जाए क्या? हाँ, अंदर वाला भी देख लेते हैं, उसमें भी है हमारा। ये अंदर कैंटीन का व्यवस्था, ये हमारा भोजन करने का जगह है, कैंटीन का व्यवस्था है, अंदर भोजन बनता है और यहाँ लोग खाते हैं, बाहर में भी भोजन करते हैं। ये सारी व्यवस्था मेस के लिए है, मेस में भी लगभग अभी हमारा 10-12 स्टाफ है। तो अभी देख रहे हैं बच्चों के खाने के लिए व्यवस्था हो रही है, लगभग अभी 1 बज गया है, तो यहाँ पे खाने का व्यवस्था सेटअप किया जा रहा है। व्यवस्था कर रहे हैं जी जी जी, ये लोग भोजन। बस हाँ बताइए। ये डॉक्टर साहब हमारे हैं, ये क्लास लेते हैं, ये लोग BBSC MBSC ये लोग होते हैं, और जो भी ट्रेनर होते हैं हमारे यहाँ वो सब मास्टर डिग्री होते हैं, इसलिए कि जो भी बच्चे आते हैं उनको सही से ट्रेनिंग दिया जाए, थ्योरी प्रैक्टिकल की अच्छी जानकारी हो, और प्रोजेक्ट का ये अनाउंस भी होता है कि जो डॉक्टर होंगे वही ट्रेनिंग देंगे, तो हम लोग बिल्कुल 100% नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं। तो डॉक्टर साहब बाहर बैठे हुए हैं, अभी क्लास नहीं है कोई? नहीं, हमारे पास एक्स्ट्रा डॉक्टर रहते हैं ना, यहाँ हमारा नर्सिंग होम भी चलता है। ये बाहर आपको हम मिलाएंगे, दिखाएंगे, बहुत बड़ा मार्ट है, वो वेटनरी का दवा मिलता है, उसका इंफ्रा मिलता है, काऊ मैट मिलता है, तो लोकल 10 किलोमीटर के जो भी जानवर बीमार होते हैं तो रियल में जो डॉक्टर होते हैं वो यही हैं, नहीं तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ आते हैं तो डॉक्टर तो रहेंगे, जो फ्री जो इलाज करते हैं, सीमेन देने के लिए आते हैं, तो इसलिए डॉक्टर तो यहाँ रहेंगे जी। एक इससे मेरे को एक सवाल मन में आ गया, मैंने बाहर देखा पशु एम्बुलेंस लगा हुआ, हाँ, तो उसका कार्य क्या, यही फील्ड से जानवर लोग को लाने के लिए यहाँ पे? नहीं, वो तो बंद वाली है ना, जानवर आएगा नहीं, लेकिन कॉल आता है तो डॉक्टर लोग जाते हैं। अच्छा। फील्ड में जाते हैं, इनके साथ असिस्टेंट भी 2 रहता है, इनका कुछ अपना मेडिकल का सर सामान भी रहता है, वो लेकर के जाते हैं, तो वो तो एक सपोर्ट चाहिए इनके साथ, ठीक है, तभी ये जाते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, चल रहे हैं क्लासरूम में जहाँ पढ़ाई हो रही है AI बच्चों की, AI ट्रेनिंग की, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन की जो थ्योरी क्लासेस चल रही है उसमें अभी हम लोग चलेंगे। ये किस चीज़ का ट्रेनिंग चल रहा है सर यहाँ पे? ये RPL का ट्रेनिंग चल रहा है, ये बच्चे जो हैं पहले से ही पशुपालन विभाग से जुड़े हुए हैं, और ये लोग वैक्सीन का काम कर रहे हैं। सरकार पशुपालन विभाग का यह योजना है कि जो भी वैक्सीनेटर हैं, टीकाकर्मी हैं, उनको 10 दिन का ट्रेनिंग दे करके, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दे करके उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। तो ये सरकार के द्वारा ये भेजे गए कैंडिडेट हैं, इनको 10 दिन का ट्रेनिंग होगा, एग्जाम होगा, सर्टिफिकेट होगा, और ये लोग पहले से काम कर रहे हैं, अच्छी जानकारी मिले, इसलिए हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये इनका 10 दिन अच्छी से अच्छी जानकारी देते हैं और पढ़ाते हैं,
10 दिन के बाद इन लोग का एग्जाम होकर सर तो प्रिंसिपल है यहाँ के। हाँ प्रिंसिपल भी है लेकिन अच्छे पढ़े हैं, जानकारी है, ये लोग बराबर पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, बताते हैं इन लोगों को कि जानवरों में क्या सावधानी बरतना चाहिए, कैसे उसको क्या समय पर भोजन देना चाहिए, क्या टीका देना चाहिए, टैगिंग से क्या फ़ायदा है, ये सारा कुछ जानकारी है, ये उनके सब्जेक्ट का चीज़ है जो डॉक्टर साहब बताएंगे। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। मेरिट वाला है, बहुत अच्छी वाला है ये सर। किस चीज़ का क्लास है ये सर? आपका थोड़ा समय लेंगे हम लोग, 5 मिनट अगर आपको दिक्कत ना हो तो। ठीक है सर, तो सर ये बताएंगे किस चीज़ का क्लास यहाँ पे चल रहा है? ये क्लास मैत्री का है, इनका जो ट्रेड है AIT आर्टिफिशियल इंसिमेशन टेक्नीशियन, ये कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता, इन लोग का जो पढ़ाई है जॉब रोल यही है। ये लोग फील्ड में काम करते हैं और ये लोग वैक्सीन भी करते हैं। तो एक्चुअली बिहार सरकार और भारत सरकार की योजना है कि पशु को नस्ल में सुधार हो, दूध उत्पादन ज़्यादा हो, इस उद्देश्य से इन लोगों को ट्रेनिंग दे करके बिहार सरकार 3 महीने का ट्रेनिंग है इनका, 1 महीना यहाँ, 2 महीना फील्ड में वो जेटी करेंगे। ये वही मैत्री ट्रेनिंग है जो बिहार सरकार के तरफ से कराया जाता है? बिल्कुल, बिहार सरकार BLDA का ही ये बैच भेजा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये उन्हीं का मैत्री है। और ये लोग जब जाएंगे यहाँ से, इनका कोर्स समाप्त होगा, समाप्त होने के बाद सरकार इनको सर्टिफिकेट एक देगा, एक पंचायत में एक सेंटर जो खुलना है, ये लोग एक सेंटर के इंचार्ज होंगे। इन लोग का प्रोजेक्ट में है कि कंटेनर वगैरह इन लोग का कुछ AI का सारा किट इन लोग को मिलेगा। ये बिहार सरकार का BLDA का बैच है, मैत्री प्रोग्राम बोलते हैं, ट्रेड इन लोग का AI है। ठीक है, और ये डॉक्टर साहब हैं, ये पढ़ाते हैं इन लोग को, एक्चुअली ये लोग डॉक्टर होते हैं। जी चलिए थैंक यू सर, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पड़ाव पे। ये हमारा AIT, यह भी AI का ही क्लास, ये क्लास है। और ये लोग पेड कोर्स में आते हैं, इन लोग का भी 3 महीने का ट्रेनिंग है, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के रूप में ये लोग तैयार होंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल सारी व्यवस्था हमारे हैं, जैसा कि आपने देखा हमारे यहाँ हर क्लास में कहीं हर जगह आपको डॉक्टर मिलेंगे। और वो डॉक्टर हैं BBSC MBSC PhD, ये लोग सारे डॉक्टर लोग हैं जो पढ़ाते हैं। और ये हमारा लैब है, अभी आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब हमारा प्रैक्टिकल करा रहे हैं, कुछ लड़के हैं इसमें, आप आइए देखिए लैब में। ये हमारा लैब है जिसमें ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहा है। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, और ये जो है डॉक्टर साहब ही बताएंगे, ये यूट्रस है, यूट्रस है ना, सर्विस उसी को कहते हैं, यूट्रस है बच्चा, यूट्रस का पार्ट सर्विस होता है जी, ये इसमें बहुत सा पार्ट होता है, गाय का आया है। और ये डॉक्टर साहब देखिए कितने अच्छे ढंग से इन लोग को प्रैक्टिकल करा रहे हैं, बता रहे हैं, इसका हैंडलिंग करा दिए हैं, उसके बाद इसको मैंने इनसाइड करके दिखा दे रहे हैं जी, अंदर पार्ट में क्या होता है जी। देखिए इतना सिखाने की हम लोग कोशिश करते हैं, और तभी तो हम लोग का रिजल्ट जो है 100% है। तो देख रहे हैं कितना एक्सप्लेन इलाबोरेट करके डॉक्टर साहब यहाँ प्रैक्टिकल लैब में करा रहे हैं, बता रहे हैं। ये पूरा हम लोग का लैब रूम है, ये यूट्रस रखा जाता है, इसमें एक गाय का बच्चा है, ये अभी यूट्रस है, ये तो जो है ये प्रैक्टिशनर टेबल है, यहाँ भी प्रैक्टिस होता है। एक्चुअली है क्या, लाइट देने के पहले यूट्रस अंदर इधर रखा जाता है, और बच्चे को इधर से हाथ डाल करके, गन डाल करके बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आप गन डाल सकते हैं कि नहीं, तभी वो लाइट जाएंगे गाय पर। ये डेयरी फार्म का जो पशुपालक का ट्रेनिंग देते हैं,
उसके लिए ये सब है, दूध का फैट नापना, CMF नापना, ये AI के लिए है। तो बेसिकली यहाँ पे सभी वो उपकरण मौजूद है जो AI ट्रेनिंग में या पशुपालन ट्रेनिंग में यूज उपयोग किया जा सकता है। तो बच्चे यहाँ पर आते हैं तो थ्योरी के बाद से लैब प्रैक्टिकल से गुजरना पड़ता है। ये पूरा फ्लोर DDUGKY कोटेड है, इस पे DDUGKY की ट्रेनिंग्स चलती हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ एथिकल टास्क होता है। सर के जो भी स्टाफ हैं, सेंटर मैनेजर हैं, MIS हेड हैं, ये स्टेट हेड हैं, ये DDUGKY प्रोजेक्ट कंट्रोल करते हैं इस ऑफिस से। अब हम लोग चल रहे हैं हॉस्टल देखने, AI के बच्चों के लिए कौन सा हॉस्टल है। ये मैत्री के लिए या AI ट्रेनीज लोग के लिए हॉस्टल है, उन लोगों के लिए हॉस्टल सर्विस यहाँ पे है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ रूम, देखिए रूम नंबर सब पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा फैसिलिटी है। ये गैलरी देख सकते हैं आप, कितना देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रूम का, यहाँ फैसिलिटी देखते हैं। देखिए हम लोग रूम में घुसे, यहाँ दो बच्चों का रहने का एक रूम में व्यवस्था है, दो टेबल दिया गया, चेयर दो दिया गया है, एक लड़के पर एक बेड, बेडशीट, तकिया, एक टेबल, एक चेयर, इतना हम लोग एक लड़के पर व्यवस्था देते हैं, अटैच लैट्रिन बाथरूम। एंड दैट्स टू विथ वंडरफुल विंडो व्यू, यहाँ से देख सकते एकदम प्राकृतिक नज़ारा है, हवादार व्यवस्था है। मैं रहता तो यहाँ पंखा तो बिल्कुल नहीं चलता, यहाँ के हवा से ही काम चल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये पूरे हॉस्टल में बच्चे भरे हुए हैं इस समय। जैसे बैच इन लोग का कंप्लीट होगा, हम लोग ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे और आगे हम लोग फिर अगले बच्चों को यहाँ शिफ्ट करेंगे। देखिए ये आप देख सकते हैं, अगर आप एक साफ़ सुथरा रूम देखना चाहते हैं, कितना अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर, आप पूरा रूम दिखाइए इनको, देखिए पढ़ने का कितना अच्छा जगह है। अगर आप पढ़ना कोई बच्चा चाहे अपना सेल्फ स्टडी के लिए, कितना शांति शांत जगह है। इधर हवा है, ये देख लीजिए, ये भी एक रूम है, यहाँ पर गैलरी भी है, ये हवादार है। वाह, ये तो ये रूम तो स्टाफ को मिलना चाहिए, यहाँ से पूरा सेंटर का नजारा ले सकते हैं, पूरे ले सकते हैं आप।